दोस्तों, बॉलीवुड में 70 और 80 के दशक में जब हिंदी गानों की बहार हुआ करती थी, इसी दौरान मनोज कुमार की देशभक्ति से भरी फिल्में आईं और उनके गानों ने लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावनाओं को भर दिया। उस दौर की फिल्मों से हटकर मनोज कुमार केवल देशभक्ति पर आधारित फिल्में बना रहे थे, जिन्होंने पूरे देश के पब्लिक ओपिनियन पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। लोग मनोज कुमार की फिल्मों से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें मनोज कुमार की जगह भारत कुमार के नाम से पुकारने लगे। अभिनेता ने न केवल अपने किरदार को पर्दे पर खूबसूरती से उतारा, बल्कि फिल्मों में अपने नाम के जरिए असल जिंदगी में भी खूब सुर्खियां बटोरी। मनोज कुमार लंबे अरसे से फिल्मों से दूर हैं और इन बीते सालों में मनोज कुमार बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। इन्हें एक नज़र में पहचान पाना बहुत मुश्किल है। तो चलिए, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको अभिनेता के आज से रूबरू करवाने वाले हैं। मनोज कुमार का असली नाम हरि किशन गिरी गोस्वामी है। मनोज कुमार का जन्म पाकिस्तान के अबोटाबाद में 24 जुलाई 1937 को हुआ था और बंटवारे के समय अपने परिवार के साथ ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में आकर बस गए। अभिनेता ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1957 में बनी फिल्म फैशन से की। इस फिल्म में उन्होंने एक भिखारी का छोटा सा किरदार निभाया था। बेशक अभिनेता का किरदार छोटा था, लेकिन निर्माताओं को इनकी अदाकारी बेहद पसंद आई और इसी के चलते इन्हें और कई बेहतरीन फिल्मों में काम करने का मौका मिला। मनोज कुमार ने अपने फिल्मी करियर में शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम और क्रांति जैसी देशभक्ति पर आधारित बेजोड़ फिल्में की। बात की जाए अभिनेता के आज की, तो ये 84 साल की उम्र पार कर चुके हैं। अभिनेता की बढ़ती उम्र का अंदाजा इनके चेहरे से लगाया जा सकता है। ये पहले से बहुत ज्यादा बूढ़े नजर आने लगे हैं। इन्हें एक नज़र में देखकर पहचान पाना मुश्किल है। अभिनेता के चेहरे पर बहुत ज्यादा झुर्रियां आ चुकी हैं और इनका वजन भी बढ़ चुका है। अभिनेता ने साल 2004 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन आज अभिनेता राजनीति और फिल्मी दुनिया दोनों से कोसों दूर हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी पल सुकून से गुजार रहे हैं। अभिनेता आज मुंबई में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। मनोज कुमार की शादी शशि गोस्वामी से हुई थी। उनके दो बेटे विशाल और कुणाल हैं। विशाल ने एक गायक और कुणाल ने एक अभिनेता के रूप में अपना करियर बनाने का प्रयास किया। उनके भाई राजीव गोस्वामी ने भी फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया, लेकिन कोई भी बॉलीवुड में पैर जमाने में कामयाब नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपको मनोज कुमार के आज के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और चटपटी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।